हेलो माय डे टू फैमिली, हर महादेव। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम संध्या एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब के चैनल सान्विक ब्लॉग्स में। तो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे चल रही थी हम लोगों की पार्टी। तो गाइज, आज हमने बनाए हैं गोलगप्पे, क्योंकि आज होना है हम लोगों का गोलगप्पे वाला कॉम्पिटिशन। तो देख सकते हो, बच्चे यहाँ पे खा पी के छोड़ के बिंदास तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। हाय गाइज, हर महादेव, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम लोगों की बहुत इच्छा है हारने की, जो इन्होंने एक कॉम्पिटिशन रखा है। तो मैं कंपटीशन खेलने से पहले ही मैं जीत चुका हूँ, समझ लीजिए दोस्तों। अभी बहुत बाकी है, परेशान मत। गोलगप्पे का कंपटीशन हम लोगों का शुरू होने जा रहा है, और ये हमसे किसी भी सूरत नहीं जीतती हुई दिख रही है अभी से। हाँ, अभी मत बोलिए, अभी बहुत कुछ बाकी है। गर्मी बहुत है दोस्तों, देख सकते हैं मैडम जी एसी के जस्ट सामने खड़ी हुई है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है दोस्तों। और दोपहर के 4 बज रहे हैं जी, समझिए, और 4:20 पे घोषणा हो जाएगी कि जो संध्या सान्विक ब्लॉग की यूट्यूबर हैं वो हार चुकी हैं जी, समझिए। बड़े हारने के लिए काफ़ी दिनों से एक्साइटेड थी, व्याकुल थी, तो आज मैंने इनकी इच्छा पूरी कर दी है। और आप देखते हैं मैं इनसे कितनी जल्दी जीत लेता हूँ, मतलब जीत तो चुका है। परेशान, हाँ, बड़े बोल मत बोलिए। जो बड़े बोलता है वो हार जाता है पहले से। मत अपनी जीत की घोषणा करिए, ठीक है? तो आप लोगों ने शायद इससे पहले भी लोगों एक कॉम्पिटिशन देखा था पॉपकॉर्न का, तो उसमें भी मैं पॉपकॉर्न वाला डाल ही नहीं था हमने। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने कॉम्पिटिशन जीता था वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं डाला था, नहीं बैलून वाला जीत गई थी ये धोखे से, वो हम जीते थे गाइस, वैसे नहीं डाल दिया था। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में दोस्तों, देखते हैं कि कितना मतलब टक्कर दे पाती है ये मुझको। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो दो थालियां लग चुकी हैं, और इसमें 21 और 21, इसमें 21 गोलगप्पे रखे हुए हैं। देख सकते हो ये आप, ये हमने घर में बनाए हैं गाइस, और बहुत ही टेस्टी हैं। गार्लिक फ्लेवर का पानी है, जो कि मेरे पति जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए गार्लिक फ्लेवर का जो पानी होता है ये इन्हें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमने बनाया कि चलो आप ही जीत जाओ पूरी तरीके से। हमें पता है क्योंकि ये हारेंगे। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग टाइमर स्टार्ट कर देंगे और देखेंगे कौन कितनी देर में खा पाएगा। ऐसे करे बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे ही, जैसे एकदम से ऐसे हल लेंगे ऐसे। हम तो देखो ऐसे बैठे हैं, हमें हम लोग टाइम स्टार्ट करने वाले हैं गाइस। 3, 2, 1 हो चुका है, या 1 मिनट हो गया है। और जल्दी
पापा जी को आराम से खा रहा है प्रोग्राम में जल्दी की प्लीज पापा प्लीज मैं जल्दी जल्दी मैं ऑन द बेस्ट पापा जी प्लीज पापा जी प्लीज पापा जी के लिए जैसे कि आप देख ही सकते हो और मेरा जो सपोर्टर था ये देखिए वो मेरे ये देखिए बाकी का काम जो है मेरा सपोर्टर कर देगा तो माय सन और एक सपोर्टर उधर भी आप देख सकते हैं दोनों को कि वो उसने माँ की साइड ली है और बेटे ने बाप पिताजी की साइड ली है तो ये विनर भैया जी इसका विनर गाइस हम हारे बिल्कुल भी नहीं है एक्चुअली मिर्चा लग गई थी इस वजह से पानी पीने लगे और इतनी देर में उन्होंने कोई चीटिंग वगैरह कर ली तो दोस्तों आप सभी देख रहे हैं और प्लीज कमेंट बॉक्स में इनका जो गलत फहमी है इनकी दूर करें आप लोग कि मैंने इसे चीटिंग से जीता है नहीं, 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 आप पास करो
शर्म तो आती नहीं है, जेनी थोड़ा धीरे धीरे खा ले। रियल रूम फूड, रियल रूम। अब शाम का खाना नहीं खाएगा मुझसे। हाँ गाइस, 4 बज रहे हैं, 4 बजे का टाइम हो रहा है, देखा है सब्जी बनी ही रखी है। रोटी बनानी है और खाना भी पड़ेगा, तो जब तक के थोड़ा वॉक कर लेंगे तो ये जितना पता से खाए हैं उसका भी। तो गाइस कैसा लगा आपको आज का ये कॉम्पिटिशन जिसमें कि पति चीटिंग करके जीत गए हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको आज का कॉम्पिटिशन, और नेक्स्ट कॉम्पिटिशन हम लोग कौन सा वाला करें ये भी बताइए। वैसे हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग नेक्स्ट कॉम्पिटिशन मोमोज का करेंगे, क्योंकि पति जी मोमोज खाते नहीं हैं। बस आज के लिए बस इतना ही गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कल सेम इसी टाइम, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।